उत्तर प्रदेश के कासगंज में शराब सेल्समैन की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शराब सेल्समैन की हत्या का आरोप एक सिपाही पर लग रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कासगंज में सेल्समैन की हत्या के बाद मृतक के परिवारजनों में आरोपी सिपाही के खिलाफ खासा आक्रोश देखने को मिला, जहां मृतक के परिवारजनों ने मृतक का शव थाने के बाहर रखकर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। मृतक के परिजनों का कहना है कि सुनगढ़ी थाने में तैनात सिपाही श्याम सिंह मृतक उपेंद्र, जो कि थाना कंपिल जनपद फरुखाबाद का रहने वाला है, उसे रात में 10 बजे कादरगंज की ओर बुला लिया गया और सुबह सेल्समैन उपेंद्र यादव का शव शराब के ठेके के बाहर ही पड़ा मिला है, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने सिपाही श्याम सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि सेल्समैन का शव यहां पड़ा मिला है, जिसकी जांच सीओ सहावर को सौंपी गई है। अगर इसी मामले में सिपाही का कोई दोष होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगदीश, कहां के रहने वाले हो? सोनगढ़ी की जाएं। क्या घटना हो गई आपके? उपेंद्र को श्याम सिंह लेखपाल श्याम सिंह डिलाईवल ले गए तो इन्हें ठेका खुलवाया के जो कही कि हमें दारू दो, दारू लइए, दारू पिए, और जो दो जने कादर चौक को चले गए लेकर। कौन है श्याम सिंह? श्याम सिंह पुलिस के ड्राइवर। अच्छा, क्या बजे लगे थे ये? समझ लो 10 के लगभग हुए हैं। तो आपको क्या जानकारी मिली? हमें जानकारी यह मिली, हमने जिनने जाके हम 6 बजे आई आएंगे और इन्हें को हम 6 बजे आई आए, 6 बजे के बाद जे 3 बजे तक तो आए ना आए, 3 बजे के बाद इन्हें से इन्हें डर गए। यहाँ पर हम सुबह उठे तो हमने देखा कि जहाँ पर हम बोतल ढूंढ रहे लेटरिंग के ताई, तो वो लेटरिंग की बोतल ना मिली, उपेंद्र डरे मिले, हमने घर को खबर करी। श्याम सिंह से पता किया आपने सुबह? हाँ, श्याम सिंह से हमने पता ना, और श्याम सिंह कहा था हम तो जहीं डर गए डाल गए। हाँ, 3 बजे तक कोई आओ ना, 3 बजे तक। दफेदार सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हो? नंगला लोचन, थाना कंपिल। क्या घटना हो गई है? बच्चे का मर्डर की सूचना मिली अभी हम लोगों को, तो हम लोग भाग के आए, देखा करके बच्चा डेड अवस्था में पड़ा हुआ है। कहां पर काम करता था ये? यही सेलमैन था इसी में। कौन से थाने में? थाना सुनगढ़ी पड़ता है ना, थाना सुनगढ़ी, थाना बराबर में लगा हुआ है, बिल्कुल पास में ये। किस पे था सेलमैन जी? किस पे था? शराब की दुकान पर। तो आपको सूचना कब मिली? और हम लोगों को सूचना अभी मिली आध घंटा पहले। वैसे ही हम लोग गांव से, सब पूरा गांव ही यहाँ आया है लगभग, बाकी जो और लोग रह गए वो आ रहे हैं सब। आपने हत्या की आशंका जताई है? नहीं, हत्या की आशंका है ही क्लियर, उसके गले पे निशान भी है, ऐसे हमने भी उसको देखा डेड बॉडी को, तो कहीं निशान फिसान भी, मतलब ये बता रहे हैं कि इसको मार के ही यहाँ रखा गया है। हो सकता है यहाँ मारा हो, कहीं दूसरी जगह से मार के रख दिया हो, ये भी हो सकता है। नहीं, रंजिश वंजिश कोई, मतलब चरित्र का बहुत उज्ज्वल था, करेक्टर भी उसका बहुत ओके था शुरू से, न दारू पीता था, भले ही सेलमैन था लेकिन दारू वारू पीने का शौक नहीं था। आपको सूचना कब मिली थी? अरे अभी बता रहा हूँ, आध घंटा पहले। अभी क्या टाइम? 9 बजे। मृतक उपेंद्र, उम्र 22 वर्ष, आज प्रातः इनका शव प्राप्त हुआ। सूचना पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिवारजनों से बातचीत की गई, परिवारजनों द्वारा तहरीर दिया गया कि मृतक उपेंद्र का उठना बैठना, मिलना जुलना मैं थाना सुनगढ़ी के ड्राइवर श्याम सिंह के साथ था। इस पर जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो आरोपी श्याम सिंह ड्राइवर है थाने का, उसको निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सहावत को सौंप दी गई।